आप देख रहे हैं आसनसोल न्यूज, सिल्पांचल के हर सच्चाई से रहे रूबरू। मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए सिल्पांचल शहर के विभिन्न इलाकों से रैलियां निकाली जा रही है। कहीं कैंडल मार्च तो कहीं मौन जुलूस निकाला जा रहा है, कुछ कुछ जगह पुतला भी जलाया जा रहा है। रेप हुआ और रेप होने के बाद उसके परिवार वाले को बंधक बना के वहाँ की चलती हुई नरेंद्र मोदी योगी की सरकार ने उस शव को रातों रात जला दिया और अभी तक उसके बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ है। उसी के विक्षोभ में आज पूरा हमारे यहाँ का 18 नंबर वार्ड के युवा उस आक्रोश के साथ इस रैली को निकाले हैं। क्योंकि जो हथरस में जो मनीषा के साथ हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग सब विरोध करते हैं, सारी महिलाएं विरोध करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने आज ये प्रोग्राम क्या किए, किस तरीके से विरोध किए हैं? हम लोग मौन रह के विरोध किए हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, कि इसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि फिर से ऐसा घटना ना हो, योगी सरकार थोड़ा ध्यान दे, ताकि हमारी, वो बोलते हैं कि हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है? आए दिन तो यूपी में घटना होती ही रहती है महिलाओं के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, मतलब आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि यहाँ घटना हुआ, वहाँ घटना हुआ, खासकर महिलाओं के साथ वहाँ बहुत ही। आज आप लोग ये मिशिल किस लिए निकाले? आज हमारे उत्तर प्रदेश, हमें देखते हमारे गोटा देश है क्या नारी निर्तन बेड़े ही चलते। हमारा कैकदिन आगे उत्तर प्रदेश देखल कैकदिन आगे एक बीजेपी लीडर एक रेप कर तरह परिवार जमीन चले दीचे, एबारो तरह व्यतिक्रम नए। एबार तो एक बच्चा 19 बचर मे एकदम पुरोपुर रेप कर তাকে তো রাতারাতি একদম ইয়ে করবো তার মানে যে তাকে শবটা জ্বলিয়ে দিল, তার শবদেহ জ্বলিয়ে দিল, তার মা বাবাকে পর্যন্ত দিতেও দিল না, এমনকি তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছিল, তার শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়েছে, তার জিভ কেটে নিয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই। আমরা সবসময় আমরা মানুষের পাশে আছি, আমরা মহিলাদের পাশে আছি, আমরা আগামী দিনেও থাকার চেষ্টা করবো। আপনার নাম? আমার নাম মৌমিতা।